हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल रोनियर और आज मैं आप लोग के लिए फिर एक यूनिक और बेहतरीन तरीका लेकर आया हूँ। तो आइए जान लेते हैं वो तरीका क्या है। हम अपने पर्सनल फोल्डर्स को, जिसमें हम कुछ अपने पर्सनल चीज रखे हो, उसे हम कैसे छुपाएं या हाइड कर दें या पासवर्ड लगा दें, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारे पर्सनल चीजों को कोई और ना देख सके। तो हम सर्वप्रथम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे या फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे। फोल्डर बन जाएगा, जो भी नाम फोल्डर का आप रीनेम करके जो नाम डालना चाहते हैं कुछ भी नाम डाल दीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, या ऑलरेडी आपका कोई फोल्डर बना हुआ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसके प्रॉपर्टीज में फोल्डर के जाइएगा आप, और जनरल में ही चले जाइएगा। जनरल सबसे पहले बोलेगा, यहाँ हिडन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ओके कर लीजिएगा। फिर इस फोल्डर को हल्का हल्का दिख रहा है तो फिर कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। तो विंडोज प्लस आर जब दबाएंगे तो रन बॉक्स मिलेगा, इसमें कंट्रोल पैनल लिख देंगे आप और इंटर करेंगे तो ऐसा खुल के आएगा। फिर यहाँ कैटेगरी में लार्ज आइकन कर दीजिएगा, फिर यहाँ फोल्ड ऑप्शन का आएगा, फिर यहाँ व्यू में जाइएगा, फिर यहाँ डोंट शो हिडन फोल्डर ऑन ड्राइव, यहाँ ओके कर लीजिएगा। इसको मिनिमाइज करके देखिएगा, फोल्डर गायब हो गया। और फिर उस फोल्डर में जब आपको लाना होगा तो यही कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा और फोल्डर ऑप्शन में जाइएगा, व्यू में जाइएगा, फिर यहाँ शो हिडन फोल्डर ऑन डिवाइस पे क्लिक कर लीजिएगा, अप्लाई ओके कर लीजिएगा। और इस तरह से आपका फोल्डर आ जाएगा। फिर इसमें कुछ भी रखे हो आपका वैसे को वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैं अपना कुछ एक पर्सनल सुपर सोनिक करके मेरा एक चैनल है, इसमें मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ अप्लाई ओके कर, यहाँ ओके कर लेंगे। फिर इसको एडिट कर लेंगे हम। फिर यहाँ कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में डोंट शो ओके कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा, इसमें सुपर सोनिक वाली फोल्डर नहीं दिख रही है आपको, देख सकते हैं आप, खुद आपको पता चल जाएगा। और यहाँ फाइल ऑप्शन ले लीजिएगा और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ व्यू में जाइएगा, फिर शो हिडन फोल्डर कर लीजिएगा और यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा तुरंत ये आ जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, और सिर्फ अप्लाई करेंगे ओके कर देंगे, फोल्डर गायब हो गया। फिर हम उस फोल्डर को ऐसे ला लेंगे। तो काफी इजी तरीका है, आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं और आपका फोल्डर जो है वो सीक्रेट पड़ा रहेगा। फिर इसे नॉर्मली फेस में लाने के लिए प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा, हिड वाले को क्लिक करके हटा दीजिए, ओके कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। फिर ये अपने आप ऐसे आ जाएगा, तो देख सकते हैं काफी इजी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल का आइकन दिखेगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, आप उसे भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज मैं अपलोड करूँ तो आप लोग आसानी से देख लें। थैंक्स।